गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर फाइन। नाउ सब लोग घर पे बोर हो गए होंगे लगता है। यू वॉन्ट टू कम स्कूल और नॉट? ऑल यू वॉन्ट टू कम एट स्कूल और नॉट? स्कूल में आना है कि नहीं आना है? सबको आना है ना, तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी ही हम तुमको स्कूल में बुलाएंगे। ओके, सो बट जस्ट नाउ यू आर एट होम, अभी आप अपने घर पे हो, सो यू हैव टू डू योर वर्क। घर पे भी काम तो करना पड़ेगा, है ना? तो कई बच्चे कुछ काम नहीं करते, नहीं मानते, नहीं लिखते, हमको मालूम है कौन कौन नहीं लिखता, राइट? सो एवरीवन मस्ट राइट। एनीवेयर, मायसेल्फ भाविन सर, टुडे वी हैव टू लर्न इंग्लिश स्टैंडर्ड 2। लेट्स स्टार्ट द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। सी नाउ, टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर नंबर 13, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। सो इन 13 चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट वी हैव टू लर्न, ऑब्जेक्ट वर्ब्स एंड सब्जेक्ट वी हैव टू लर्न। सो डियर स्टूडेंट्स, बी केयरफुल, हाउ कैन यू लर्न दिस सब्जेक्ट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मीन्स द डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर ऑफ एन एक्शन मतलब कोई भी सेंटेंस में वो एक्शन, वो वर्क, वो काम कौन करता है, उसको डूअर ऑफ द एक्शन, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, राइट? और द एक्शन वर्ड विच इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड मतलब जो शब्द से, जो वर्ड से हमको पता चलता है कि इसमें क्या हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। एंड दैट ऑन विच द एक्शन वर्ड एक्ट्स इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। मतलब वो एक्शन वर्ड कौन कर रहा है, किसके बारे में है, किसके द्वारा होता है, दैट इज ऑब्जेक्ट। ओके, जस्ट आई गिव यू वन एग्जाम्पल कि रिया ईट्स एन एप्पल। तो यहां पे देखो, रिया एप्पल खाती है, राइट? अब रिया इट्स एन एप्पल में रिया कौन एप्पल खाता है, हु इज डूअर ऑफ द एक्शन? डूअर ऑफ द एक्शन मतलब इसमें एक्शन क्या है, एप्पल खाने का, तो एप्पल कौन खाता है, रिया। सो इन दिस रिया इज सब्जेक्ट, रिया सब्जेक्ट हुई। देन वर्ब, तो वर्ब कौन है, मतलब इसमें एक्शन कौन सी है, ये सेंटेंस में एक्शन वर्क कौन सा है, इट्स इज एन एक्शन, तो इट्स इज अ वर्ब। देन ऑब्जेक्ट कौन है, एन एप्पल, सो एन एप्पल इज एन ऑब्जेक्ट, राइट? सो द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, द एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, एंड दैट ऑन विच द एक्शन वर्ड एक्ट्स इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द वे that we have to learn here. Now let's see, here some sentences given. See, she has an apple, मतलब उसके पास एप्पल है, तो किसके पास एप्पल है, she के पास, she मतलब कोई girl, right? Here you see, she has an apple, तो इसके पास एप्पल है, तो she is subject, has is action, so verb, और क्या है उसके पास, एन एप्पल, सो इट इज ऑब्जेक्ट, राइट? सो सी हैज एन एप्पल, सी सब्जेक्ट, हैज वर्ब, एन एप्पल ऑब्जेक्ट। नाउ दिस गर्ल्स सिंग स्वीट सॉन्ग, तो कौन गाना गा रहा है, कौन अच्छा गाना गा रहा है, दिस गर्ल्स, सो दिस गर्ल्स आर सब्जेक्ट। सॉन्ग क्या गा रहे हैं, सॉन्ग्स, तो सॉन्ग क्या हुआ, स्वीट सॉन्ग, इट इज ऑब्जेक्ट, एंड सिंग इज अ वर्ब।
So these girls sing sweet songs. Okay. Now all children love ice cream. सब बच्चों को आइसक्रीम अच्छी लगती है. तो किसको आइसक्रीम अच्छी लगती है? All children. तो जब हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे किसको आइसक्रीम अच्छी लगती है, तो all children will come. So all children is subject. क्या है आइसक्रीम? आइसक्रीम ऑब्जेक्ट. और लव अच्छी लगती है, लाइक वो प्यार करते हैं आइसक्रीम से, दैट इज वर्ब, राइट. द चिल्ड्रन हैव रेड एप्पल्स. तो किसके पास एप्पल है? चिल्ड्रन. सो इट इज सब्जेक्ट. हैव वर्ब, रेड एप्पल इज एन ऑब्जेक्ट. तो ऐसे ही आपको समझ सकते हो कि मिस अनुपमा टीच इंग्लिश. तो मिस अनुपमा सब्जेक्ट, क्या कर रही है वो? पढ़ा रही है. इज एक्शन, तो इट इज अ वर्ब. और क्या पढ़ा रही है? इंग्लिश. इट इज अ ऑब्जेक्ट. सो डूअर ऑफ द एक्शन, ये डूअर ऑफ द एक्शन. दिस इज अ डूअर ऑफ दिस एक्शन, दिस इज एक्शन. एंड दिस इज एक्शन वर्ड विच एक्ट बाय दिस वर्ड. ओके. नाउ बॉयज एंड गर्ल्स आर ईटिंग एप्पल्स एंड ऑरेंज. तो बॉयज एंड गर्ल्स क्या खा रहे हो? एप्पल एंड ऑरेंज खा रहे हैं. तो वो की चीज खा रहे हैं, इसलिए वो ऑब्जेक्ट हुई. कौन खा रहा है? बॉयज एंड गर्ल्स खा रहा है, इट इज सब्जेक्ट. और बॉयज एंड गर्ल्स क्या कर रहे हैं? तो खा रहे हैं, इट इज अ वर्ड, वर्ब. ये इट इज एक्शन, ये हमारी एक्शन है. दिस इज डूअर, ये एक्शन को करने वाले ये लोग हैं. और ये चीज होती है उनके द्वारा. ओके. सो दिस इज हियर. देन नाउ वी हैव टू राइट मोर. नाउ सी इन दिस एक्सरसाइज, टेस्ट योरसेल्फ. पेज नंबर 62. टेस्ट योरसेल्फ. लीला इज सिंगिंग ए सॉन्ग. तो सब्जेक्ट लीला, क्या कर रही है? इज सिंगिंग एंड सॉन्ग, क्या गा रही है. ओके. Now all children have toys. So all children subject love is verb and toys is an object. Okay. My friend has a new ball. So my friend. So my friend is subject. Has verb, has, have, ये सब एड वर्ब है. A new ball, a new ball. Okay. Now boys are doing their homework. So कौन homework कर रहा है? Boys. तो boys are subject. Are doing, क्या कर रहे हैं? Are doing. Are doing is a verb and object is a homework. So are doing their homework. So T-H-E-I-R, their, W-O-R-K, homework. Okay. Now next one, उसके जैसा ही है. My uncle has a big house. तो किसके पास big house है? My uncle has a big house. So my uncle is a subject, has a predicate verb, and a big house is object. Okay. So this way you have to write this all. See how the words are written. See everyone properly. ऐसे आपको एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है और आपको इसके अंदर लिखना है. ओके. सो एवरीवन कंप्लीट दिस इन द पेज नंबर 62 ग्रामर. पेज नंबर 62 ग्रामर में यह लिख देंगे. नाउ आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन टू राइट इन द नोटबुक. नोटबुक में लिखने के लिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ. So everyone be pay attention here.
नाउ सी हियर आई हैव रिटन सम सेंटेंस. ये सेंटेंस मैंने लिखे है उसमें आपको सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है उसका लिखना है. सब्जेक्ट का हम एस लिखेंगे, वर्ब का वी लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के लिए ओ लिखेंगे. ओके नाउ अंडरलाइन दूरगी. नाउ रोहन इज ड्रॉइंग अ पिक्चर. सो रोहन इज अ सब्जेक्ट तो एस लिखो. इज ड्रॉइंग इज अ वर्ब राइट वी एंड अ पिक्चर इज एन ऑब्जेक्ट राइट ओ. ओके सब्जेक्ट के लिए एस लिखना है, वर्ब के लिए वी लिखना है और ऑब्जेक्ट के लिए ओ लिखना है. नाउ ऑल स्टूडेंट्स लव गेम्स. तो ऑल स्टूडेंट्स इज अ सब्जेक्ट, लव वर्ब एंड गेम्स ऑब्जेक्ट. राइट नेक्स्ट क्वेश्चन. माय फादर ब्रॉट अ न्यू कार. सो माय फादर इज अ सब्जेक्ट. वेरी गुड. चलो ये ब्रॉट को क्या बोलेंगे, बोलेगा कोई? यस वर्ब और अ न्यू कार इज ऑब्जेक्ट. वेरी गुड. देन नाउ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट. तो बोलो यहाँ पे थ्री पार्ट्स पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन क्रिकेट. सो स्टूडेंट्स में क्या आएगा? यस 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 दैट बॉय. चलो वो लड़का क्या दिख रहा है, जो बाजू दिख रहा है, जस्ट यू स्पीक इट. स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, आर प्लेइंग वर्ब एंड क्रिकेट ऑब्जेक्ट. वेरी गुड. नेक्स्ट वन, ही हैज एन अम्ब्रेला. तो ही हैज एन अम्ब्रेला. तो ही सब्जेक्ट, हैज वर्ब एन अम्ब्रेला ऑब्जेक्ट. नाउ वी हैव न्यू बुक्स. राइट ऐसे ही बॉयज एंड गर्ल्स आर टॉकिंग इन द क्लास. ऐसे डिवाइड होगा. या भाविन सर टीचर्स टीचिस अस इंग्लिश. भाविन सर को जानते हैं ना आप. दे लाइक आइसक्रीम्स एंड दे प्ले फुटबॉल. ओके आई होप यू कैन अंडरस्टूड व्हाट यू हैव टू डू. ये वी सब्जेक्ट है, एस लिखेंगे. हैव ऑब्जेक्ट है, ओ लिखेंगे. हैव ऑब्जेक्ट है नहीं, हैव क्या है, वर्ब है, वी लिखेंगे. और न्यू बुक्स ऑब्जेक्ट. हैव हैज हैड इज एम आर वॉज वेर सब ऑब्जेक्ट, सब वर्ब होता है. बॉयज एंड गर्ल्स सब्जेक्ट, आर टॉकिंग वर्ब, इन द क्लास ऑब्जेक्ट. भाविन सर सब्जेक्ट, टीचिस वर्ब, अस इंग्लिश ऑब्जेक्ट. दे सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, आइसक्रीम ऑब्जेक्ट. राइट हियर ऑल्सो दे सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट. सो एस वी ओ, एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट. तो ये आपको वीडियो पॉज करके आपको ये सेंटेंस नोटबुक में लिखना है. दिस इज योर टू राइट इन योर नोटबुक एज अ होमवर्क. ओके और वीडियो को लाइक करो. वीडियो को आपको पढ़ना है, दो तीन बार वीडियो देखना है और आपको समझना है. ओके एवरीवन मस्ट राइट डाउन दिस. नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नई मेथड लेके. तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा.